एक मास अगाउ डीसाना युवक की चार शख्सों हत्या करी सामडी गामनी केनाल में लाश फेंकी दीधी थी। जेमा अगाउ त्रण आरोपी ने एलसीबी पुलिसे झड़पी पड़ा था। जे गुनाना फरार मुख्य चौथा आरोपी ने गढ़ पुलिसे झड़पी पाड़ी कायदेसर की कार्यवाही हाथ धरी है। पालनपुर तालुकाना सामढी गामे एक मास अगाउ डीसाना युवक की हत्या करीने सामढी गामनी केनाल में फेंकी देवायेली लाश मळी आवी हती। ते अंगे गढ़ पोलीसे हत्या अंगेनो गुनो नोंध्यो हतो, जेमा चार शख्सोए भेगा मळी आ युवक की हत्या करी होवानुं पोलीस तपास में खुल्यु हतुं। जेमा हत्या में सामेल त्रण शख्सोने अगाउ एलसीबी पोलीसे झड़पी पाड्या हता। जे गुनानो चौथो मुख्य आरोपी फरार हतो। जे फरार आरोपी ने गढ़ पोलीसे मंगलवारे दियोदर तालुकाना माजरू गामेथी झड़पी पाड़ी मंगलवारे तेनो कोरोना रिपोर्ट करावी तेनी अटकायत करीने गढ़ पीएसआई एलजे वाला वधु तपास चलावी रह्या छे। गढ़ पोलीस मथकना सूत्रों जणाव्या अनुसार एक मास अगाउ एक अजाण्या युवक की हत्या करेली लाश सामढी गामनी केनालमांथी मळी आवी हती, जे अंगे गढ़ पोलीस मथके हत्यानो गुनो नोंध्यो हतो। पोलीस तपास में जगदीशभाई उर्फ जिगर विष्णुभाई रामानदी साधु ने चार शख्सोए भेगा मळी आ हत्या करी हती, जेमा अगाउना आ गुनाना त्रण आरोपी ने एलसीबी पोलीसे झड़पी पाड्या हता। अने हत्याना गुनानो मुख्य आरोपी प्रकाश कुमार उर्फ पप्पू शंकरजी ठाकुर मूळ रहे मालगढ़ मोटीढाणी अने हाल रहे आशापुरा सोसायटी डीसावाड़ानी प्रेमिकानी दीकरीने अगाउ मृतक जगदीश उर्फ जिगर भगाड़ी लई गयेल, पाछळथी मळी आवता समाधान करेल, बादमां अदावत राखी आ हत्या करी होवाना झड़पायेला त्रण शख्सोए कबूलात करी हती, जेमां मुख्य आरोपी प्रकाश उर्फ पप्पू शंकरजी ठाकुर फरार हतो। जेने झड़पी पाड़वा गढ़ पीएसआई एलजे वाळाए खानगी राहे हकीकत मेळवी अंगत बातमीदारोनी मददथी पोलीस स्टाफ साथे प्रकाश कुमार उर्फ पप्पू ने मंगलवारे दियोदर तालुकाना माजरू गामेथी झड़पी पाड़ी गढ़ पोलीस मथके लावीने अटकायत करीने वधु पूछपरछ हाथ धरी है।